कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के जेफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होती है। इमिग्रेशन के वक्त हम एक पैसेंजर को देखते हैं जिसका नाम विक्टर नावोस्की होता है। विक्टर रिपब्लिक ऑफ क्रोजोसिया से होता है। इमिग्रेशन में अचानक से उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन फेल हो जाता है और कस्टम वाले उसे यूएस में एंट्री बैन कर देते हैं। काफी देर तक बैठने के बाद विक्टर को कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन हेड फ्रैंक के पास लेके जाया जाता है, जो उसके पासपोर्ट और टिकट जब्त कर लेता है और उसे बताता है कि जब विक्टर प्लेन में बैठा था तब उसके देश में एक बहुत ही बड़ा सिविल वॉर शुरू हुआ है। सारे विरोधियों ने गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स का मर्डर किया है और पूरे देश पर खुद का कब्जा कर लिया था। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा हाल ही में ऐसे ही किसी देश के साथ हुआ था। अब इस वॉर के चलते कोई भी फ्लाइट वहां तक नहीं पहुंच रही है और इसी के कारण पूरे दुनिया भर में उनके देश को मान्यता नहीं दी जा रही है। अब इसका असर ये हुआ कि क्रोजोसियन पासपोर्ट अभी इनवैलिड हो गया है, जिसे यूएस सरकार ने उधर से आने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी है और जो यूएस ट्रैवल वीजा उसके पासपोर्ट पर मिला था वो भी रद्द कर दिया था। जिसका सीधा मतलब ये होता है कि अब वो ना ही तो क्रोजोसिया का नागरिक है और ना ही अब वो यूएस इस देश में पैर रख सकता है, क्योंकि उसका कोई देश ही नहीं था। पर विक्टर को इंग्लिश समझ नहीं आती थी, इसीलिए फ्रैंक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है पर नाकाम होता है और उसे एयरपोर्ट पर ही रोकने के लिए इंटरनेशनल ट्रांजिट लॉन्च का फ्री एक्सेस, एक पेजर और कुछ वाउचर दिए जाते हैं। जब तक उसके देश की कंडीशन सही नहीं हो जाती वो ना तो वहां जा सकता है ना ही यूएस में कदम रख सकता है। लॉन्च में लगे हुए टीवी से विक्टर को अपने देश की हालत के बारे में पता चलता है। ये देख के वो बहुत ही घबरा जाता है, उसे अपने परिवार के बारे में सोच के डर लगने लगता है और उसे जो वाउचर मिले थे उसके कार्ड से वो घर पे फोन लगाने की कोशिश करता है, पर कार्ड भी इंग्लिश में होने के कारण वो अपने परिवार को फोन नहीं लगा पाता। काफी देर तक वो बैठता है, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच में उसे जो फूड वाउचर मिले थे वो भी एक क्लीनिंग पर्सन कचरा समझ के अपने साथ उठा के लेके जाता है, यानी कि अब इसको खाना भी नहीं मिलने वाला था। विक्टर की हालत हर पल बदतर होते जा रही थी। देखते देखते रात होती है और रात काटने के लिए कोई सही जगह ना मिलने के कारण वो खुद ही कुछ खराब कुर्सियों से अपने लिए एक बेड बना लेता है और एयरपोर्ट के अंदर इसी तरह वो अपनी पहली रात बिता लेता है। और ये सारी चीजें फ्रैंक रहता है वो सब देख रहा था अपने कैमरे के थ्रू। अब फ्रैंक एयरपोर्ट का हेड होता है, उसे भी टेंशन आता है कि इस इंसान का क्या किया जाए, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एयरपोर्ट पे उसे नहीं रख सकता था, इसीलिए वो अपने सीनियर से बात करता है। फ्रैंक को पता चलता है कि उसका जो बॉस है वो जल्दी ही रिटायर्ड होने वाला है और बॉस की पोजीशन फ्रैंक को मिलने वाली है, यानी कि उसका प्रमोशन होने वाला था। अब अगर विक्टर की बात उसके बॉस तक पहुंचती तो उसका प्रमोशन भी कैंसिल हो जाता, इसीलिए वो बॉस को कुछ ज्यादा बताता नहीं है। लेकिन विक्टर को कैसे भी एयरपोर्ट से निकालने का वो प्लान करने लगता है। अब यहाँ पे अगले दिन सुबह हम विक्टर लॉन्च का वॉशरूम इस्तेमाल करता है अजीब तरीके से, मानो अब वो उसका घर ही था, और वो अच्छा खासा कपड़ा पहन के वापस कस्टम में जाता है कि उसे यूएस में एंट्री मिले। इसके लिए उसे कोई भी एंट्री नहीं दी जाती। अब ये सब कुछ देख फ्रैंक उसे उसके ऑफिस में बुलाता है और उसे कहता है कि वो उसे इलीगली देश में दाखिल होने का रास्ता बताएगा, पर उसे ये 12 बजे के बाद जब गार्ड रिप्लेस होंगे तभी 5 मिनट में ही एयरपोर्ट से भागना होगा, उसके बाद वो जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन फ्रैंक की ये एक चाल रहती है, जैसे अगर विक्टर एयरपोर्ट के बाहर कदम रखता वो उसे पुलिस के हाथों पकड़वाने वाला था इलीगल एंट्री के आरोप में। अब विक्टर को सच्चाई पता नहीं थी तो वो भी तैयार होता है। जैसे ही विक्टर एयरपोर्ट के गेट से एग्जिट करने ही वाला था वो एक कैमरे को देखता है जो उसी की तरफ फोकस कर रहा था, और जैसे ही वो आगे जाता कैमरा भी आगे जा रहा था, यानी कि वो समझ जाता है कि कोई तो उसके ऊपर नजर रख रहा है, और अपना फैसला बदल कर वो वापस एयरपोर्ट पे आता है। ये बात देख फ्रैंक तो गुस्सा हो जाता है। अब ये चुपचाप वापस एयरपोर्ट पे आके बैठ जाता है। अभी वहां से एक एयर होस्टेस जा रही थी पर फ्लोर गीला होने के कारण वो फर्श पे नीचे गिर जाती है। फ्रैंक उसकी मदद करने के लिए जाता है, वो एयर होस्टेस उसे थैंक यू कहती है और विक्टर से बात करी रही होती है तभी उस एयर होस्टेस का बॉयफ्रेंड आके उसे अपने साथ लेके जाता है। अब विक्टर को एयरपोर्ट पे आके 1 से 2 दिन तो हो गए थे। आसपास का जो क्लीनिंग स्टाफ रहता है उसी में एक इंडियन गुप्ता रंजन दिखाया गया है, जिसका कैरेक्टर बहुत ही गंदा दिखाया है बाय द वे। तो उसे विक्टर से नफरत होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो CIA द्वारा भेजा गया एजेंट है जो बाहर के देश के लोग हैं उनके काम पे नजर रखने के लिए, जैसे कि रंजन। अब विक्टर को काफी भूख लगी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, खाना नहीं खाया था। तभी उसकी नजर एक लड़की पे जाती है। वो लड़की ट्रॉली अपनी जगह पे रखती है और वहां पे एक मशीन रहती है जिससे उसे 25 सेंट उसे मिलते हैं। ये देख के विक्टर काफी खुश हो जाता है और आसपास की सारी ट्रॉलियां जमा करके वो मशीन के यहाँ पे लगा देता है जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और इसी तरह वो कुछ खाना खा लेता है। और
बीच में वो किताब भी ले लेता है जिससे वो अपनी इंग्लिश सुधारने की कोशिश करता है। वो ऐसे ही रोज एयरपोर्ट से ट्रॉली रख के पैसे कमा रहा था और कुछ ना कुछ खा लेता था, लेकिन रोजाना वो 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमेशा की तरह कस्टम में जाके वीजा की रिक्वेस्ट करता था और वो लड़की हमेशा रिजेक्ट कर देती थी। और एयरपोर्ट के सारे वर्कर रोज इसे ऐसे ही देख लिया करते थे। अब यहाँ पे विक्टर को ट्रॉली लगाते हुए देख फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो इस काम के लिए वर्कर को लगा देता है ताकि विक्टर को पैसे ना मिले और उसे एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाए। अब उसके खाने के भी प्रॉब्लम होते हैं। इसी दरमियान वो बार बार कस्टम ऑफिसर के पास जाता था और उस लड़की से मानो इसकी दोस्ती हो जाती है। इसीलिए एनरिक नाम का एक वर्कर रहता है जिसे वो कस्टम वाली लड़की पसंद होती है। इसीलिए वो विक्टर से एक डील करता है कि वो वीजा ऑफिसर जो लड़की है उसका नाम डोलोरेस रहता है, तो उसके बारे में अगर रोज कोई जानकारी देगा तो एनरिक उसे रोज खाना देगा। अब विक्टर राजी होता है और वो रोज डोलोरेस के पास वीजा के लिए जाता, उससे बात करता, उसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें एनरिक को बताता और एनरिक उसे खाना देता। एक दिन ऐसे ही एनरिक को जानकारी देते वक्त उसके पास जो पेजर होता है वो बजने लगता है, जिसकी आवाज सुन के वो कस्टम ऑफिसर के पास भागने लगता है। डिपार्टमेंट में जाने के बाद फ्रैंक उसे एक कायदे के बारे में बताता है कि अगर विक्टर ये साबित करने में सफल हो जाए कि उसके देश में वापिस जाने से डर लगता है तो वो उसे एक इमिग्रेंट्स के तौर पर एंट्री दे सकता है और इसके लिए उसकी स्टेटमेंट जरूरी होगी। पर विक्टर को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, इनफैक्ट उसे अपने देश वापस जाना था, इसीलिए वो मना करते हुए वहाँ से बाहर जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे वही खूबसूरत एयर हॉस्टेस दिखाई देती है जिसका नाम अमेलिया होता है। अमेलिया काफी रो रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। विक्टर उसके पास जाता है और उसे बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही उसकी मदद की थी और उसी के साथ वो अमेलिया से बातचीत करने लगता है। विक्टर के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती होती है और वो उसे ऐसे ही इटालियन रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है, पर विक्टर मना कर देता है और उसे अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश करता है। हालांकि अमेलिया को कुछ भी समझ नहीं आता। अब बेचारे विक्टर के पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो एयरपोर्ट की दुकानों में जाकर अपने लिए काम ढूंढने लगता है। अब शॉप वालों को तो पता नहीं रहता कि ये कौन है, इसीलिए वो उसका फोन नंबर मांगते हैं। तो विक्टर बेचारा गेट नंबर 6 के यहाँ पे जहाँ पे वो रह रहा था उसके फोन बूथ का फोन देता है। अब उस शॉप वाले को ये काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो कहता है कि हाँ हम तुम्हें कॉल करेंगे। विक्टर उसी फोन बूथ के यहाँ पे पूरा दिन बैठता है, रेस्ट रूम भी जाता नहीं है ताकि उसे वो जॉब मिले, लेकिन वो लोग उसे जॉब नहीं देते। अब वो निराश होकर वहां से जा ही रहा होता है तब उसे एक जगह पे आधा अधूरा पड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। अब विक्टर खुद लकड़ी का काम किया करता था, इसलिए वो चुपचाप वो लकड़ी का पूरा कंस्ट्रक्शन बनाने लग जाता है। पूरी रात काम करने के बाद सुबह वहां पे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर आ जाते हैं, पूरा काम खत्म हो गया था और उसके काम को देख उसका हेड काफी खुश हो जाता है और विक्टर को वो नौकरी दे देता है। अब ये काम एयरपोर्ट के एक अंडर कंस्ट्रक्शन जगह पे हो रहा था, इसीलिए किसी को भी कुछ पता नहीं चलता और इसी तरह विक्टर को हर एक घंटे के $19 मिलते हैं इस काम के। तो रोज सुबह वो वहीं पे सोता था, उठने के बाद वॉशरूम में नहाता था, नाश्ता करने के बाद अपना काम करने के लिए चला जाता था, यानी कि अब एयरपोर्ट उसका घर ही बन गया था। एयरपोर्ट के बुक स्टोर में एक दिन वापस उसे एमिलिया मिलती है और दोनों भी नेपोलियन बुक पर बातचीत करते हैं, पर वो वापस विक्टर को लंच के लिए पूछ लेती है और विक्टर मना कर देता है। लेकिन तभी विक्टर के पेजर पर वापस उसे ऑफिस बुलाने का टेक्स्ट आ जाता है और उसे बीच में ही जाना पड़ता है। अब यहाँ पे विक्टर से छुटकारा पाने के लिए फ्रैंक हर जगह विक्टर को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, पर कोई भी विक्टर को अपने पास रखने से इनकार करता है, जिसके कारण से वो उसे एयरपोर्ट के डिटेंशन सेंटर में ही रखने का सोचता है। इसी दरमियान एक बेचारा गरीब रशियन पैसेंजर आता है जिसके पास कुछ दवाइयाँ होती है। उसके पास डॉक्टर की या फिर किसी की भी पर्ची नहीं होती इन दवाइयों के लिए, लेकिन वो अपने ही भाषा में कुछ बोले जा रहा था और किसी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए गुस्से में फ्रैंक उसे अरेस्ट करने वाला था। विक्टर को शायद उसकी भाषा समझ आए, इसीलिए वो लोग विक्टर को डिटेंशन सेंटर से बाहर निकालते हैं। विक्टर उस गरीब इंसान से बात करता है और वो इंसान उसे बताता है कि ये दवाइयाँ दरअसल उसके बीमार पिता के लिए है, किसी भी हालत में उन्हें ये दवाइयाँ चाहिए होगी। अब विक्टर बिना सोचे समझे ऐसे ही जवाब फ्रैंक को दे देता है। अब यहाँ पे लॉ के अनुसार ऐसा है कि कोई भी दवाइयाँ बिना डॉक्टर की पर्ची के दूसरे देश में नहीं लेके जा सकते, उसके लिए आप अरेस्ट भी हो सकते हो। इसी के चलते उस इंसान को अरेस्ट किया जाता है। वो बेचारा रोते हुए सबके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। ये देख विक्टर को काफी बुरा लगता है, उसे उस इंसान की मदद करनी थी, इसीलिए वो
वापस फ्रैंक को बताता है कि उसने गलती से कुछ और ही ट्रांसलेट किया था। दरअसल वो इंसान ये दवाइयां अपने पिता के लिए नहीं बल्कि अपने एक बकरी के लिए लेके जा रहा होता है। अब दरअसल यहाँ पे ये होता है कि इतने दिनों से विक्टर इमिग्रेशन फॉर्म भर रहा होता है, उसे ये जानकारी होती है कि जानवरों के दवाइयों के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं लगता, और इसी बात के कारण फ्रैंक को उस इंसान को दवाइयां लेके जाने की इजाजत मिलती है। और इसी बात से फ्रैंक उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे फ्रैंक के सीनियर पास हो रहे थे और सीनियर से उसने ये सारी बातें छुपा के रखी थी क्योंकि उसका प्रमोशन होने वाला था, इसीलिए वो चुपचाप रह जाता है और फ्रैंक और उस इंसान को भी छोड़ देता है। अब यहाँ पे जो इंडियन रहता है गुप्ता, वो आसपास के सारे लोगों को बताता है कि कैसे विक्टर ने स्मार्टली एक गरीब आदमी की मदद की है, जिसके लिए सारे लोगों का विक्टर के लिए नजरिया बदल जाता है, वो उसे अपने साथ शामिल करने लगते हैं। अब फ्रैंक के ये सारे ईगो पे आया था, इसीलिए वो विक्टर को न्यूयॉर्क आने और उसके पास एक जो डब्बा था उसमें क्या है इसके बारे में पूछता है, पर विक्टर बताता नहीं है, इसीलिए वो उसे काफी धमकी देता है। अब यहाँ पे विक्टर गुप्ता के जरिए एयरपोर्ट के डेटा ऑफिस में घुस जाता है और उसके फाइल में उसे उसकी अगली अराइवल की तारीख मिलती है जो कि 3 हफ्तों के बाद होती है। विक्टर और गुप्ता दोनों भी काफी अच्छे से बॉन्ड करते हैं। इसी बीच में हम अमेलिया को अपने रोम की फ्लाइट से आते हुए देखते हैं। अब सबको पता चल गया था कि विक्टर को अमेलिया पसंद है। अब दोनों भी मिलते हैं और काफी बातें करते हैं और विक्टर इस बार उसे खाने के लिए पूछता है और उसने गुप्ता और बाकी सारे स्टाफ की मदद से एक अपने रहने वाले जगह पे एक टेबल अरेंज करवाया था और सारा स्टाफ विक्टर की मदद करता है और इन दोनों के बीच डेट करवाता है। लेकिन इसके बातचीत के दौरान ही अमेलिया का जो बॉयफ्रेंड रहता है वो बार बार उसे कॉल करने लगता है, इस बात से वो परेशान होने लगती है। लेकिन विक्टर से बात करने के बाद उसका मन बदल जाता है और दोनों भी मिलकर अपने अपने फोन फेंक देते हैं, यानी पेजर, जिसे वो खुद को फिर से आजाद महसूस करते हैं। दोनों भी एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच में एमेलिया विक्टर से एक सवाल पूछती है कि नेपोलियन ने अपने बीवी को बवेरिया पर कब्जा करने की खुशी में उसे क्या दिया था। तो विक्टर उसे कहता है कि इसका जवाब मैं 13 दिनों के बाद दूंगा जब तुम आओगे, और काफी खूबसूरत डेट के बाद वो चली जाती है। विक्टर कुछ बनाने के लिए लग जाता। अब रात में एनरिक वापस विक्टर के पास आता है और डोलोरिस से डेट के लिए उसकी मदद मांगता है। विक्टर जब अगले दिन वीजा फॉर्म भरने जाता है तो वो डोलोरिस को एनरिक के द्वारा भेजी गई रिंग देता है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। डोलोरिस उससे आके मिलती है और एनरिक ने दी हुई रिंग अपने हाथ पे पहन के उसे दिखाती है और दोनों भी मिलकर शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पे विक्टर की लाइफ में देखते देखते 13 दिन बीत जाते हैं। एमेलिया वापस न्यूयॉर्क आती है और अचानक से उसे कुछ ऑफिसर फ्रैंक के पास यानी एयरपोर्ट के हेड के पास मिलने के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि फ्रैंक ने इन दोनों की मुलाकात की टेप्स देख ली थी। फ्रैंक एमेलिया से विक्टर की सारी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था कि उसके डब्बे में क्या है, वो US पे क्यों आया है। लेकिन एमेलिया को खुद विक्टर की कुछ कंडीशन पता नहीं होती, तो यहाँ पे फ्रैंक के जरिए उसे सारी चीजें पता चलती है कि कैसे उसके देश में वॉर हुआ था और अब पिछले 1 महीने से वो यहाँ पे अटका हुआ है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट के हिस्से में रह रहा था। अब ये जानने के बाद एमेलिया को काफी बुरा लगता है और बाद में वो विक्टर से आके मिलती है। वो विक्टर को बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो जल्दी ब्रेकअप करने वाली है क्योंकि उसे विक्टर काफी पसंद आने लगा था, वो विक्टर के साथ रिलेशन शुरू करना चाहती थी। इसी दौरान विक्टर उसे कुछ दिखाने के लिए लेके जाता है और वो उसे एक फाउंटेन दिखाता है जो कि ये वही चीज होती है जिस पर वो पिछले 13 दिनों से काम कर रहा होता है, जिसे नेपोलियन ने अपने पत्नी को तोहफे के रूप में दिया हुआ था। और दोनों भी जब बातें कर रहे होते हैं तो विक्टर एमेलिया को अपने कैन में क्या है ये दिखाता है। वो उसे एक जैज म्यूजिक के बैंड का फोटो दिखाता है जो उसके पिता ने 1960 में एक हंगेरियन अखबार से निकाला था। उसके पिता उस जैज बैंड के बहुत ही बड़े फैन थे और उन्होंने इस बैंड के 57 मेंबर्स को अलग अलग खत भी लिखे थे ताकि उनकी सिग्नेचर वो हासिल कर सके, और उनके 40 साल के इंतजार के बाद एक एक करके बैंड के मेंबर्स ने उसके पिता को खत का जवाब दिया था और अपनी अपनी सिग्नेचर दी थी। लेकिन उनमें से सिर्फ एक यानी कि बेनी गोल्डसन नाम के सिंगर ने अभी तक चिट्ठी या सिग्नेचर का जवाब नहीं दिया था और विक्टर के पिता को इसका काफी दुख हुआ था। और इसी दरमियान विक्टर के पिता गुजर गए थे। अब अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए विक्टर न्यूयॉर्क आया होता है, जिधर वो बेनी गोल्डसन से मिलकर उसका सिग्नेचर लेकर
अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर सके। विक्टर की यह बात सुनकर एमेलिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और विक्टर के लिए उसका प्यार और भी बढ़ जाता है और दोनों भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। एमेलिया ने ठान लिया था कि वो ब्रेकअप करके विक्टर के साथ रहेगी। अब यहाँ पे अगले दिन सुबह होने पर एनरिक सभी के साथ आके विक्टर को उसके कंट्री में चल रहे वॉर के खत्म होने की जानकारी देता है। सभी इस खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी एमेलिया भी आती है और उसे एक वन डे का इमरजेंसी ट्रैवल वीजा देती है और वो बताती है कि उसके दोस्त के जरिए उसे मिला है और वो उसे न्यूयॉर्क सिटी में जाके उस सिंगर की आखिरी सिग्नेचर लाने के लिए कहती है। विक्टर उसे अपने साथ न्यूयॉर्क शहर चलने के लिए कहता है पर उसके साथ आने के बजाय वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और वहां से निकल जाती है। और यहां पे पता चलता है कि दरअसल ये इमरजेंसी वीजा उसे एमेलिया के बॉयफ्रेंड के थ्रू मिला था। बॉयफ्रेंड बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल रहता है और उसी के मदद से एमेलिया ने विक्टर को ये वीजा दिलवाया था। इसके बदले में उसका बॉयफ्रेंड एमेलिया के सामने शर्त रखता है कि मैं वीजा तो तुम्हारे दोस्त को दे दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ वापस रिलेशन शुरू करना होगा। और इसी के कारण एमेलिया अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है लेकिन ये बात विक्टर को पता नहीं थी। अब विक्टर खुशी खुशी फ्रैंक के पास वीजा पर साइन करने जाता है। फ्रैंक उसे गुस्से में धमकी देता है, उसे यूएस छोड़ वापस अपने देश जाने के लिए कहता है वरना जो एनरिक और गुप्ता ये उसकी एयरपोर्ट पे मदद कर रहे थे इसीलिए उन्हें वो काम पर से हटवा देगा। अब ना चाहते हुए भी विक्टर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपने देश वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने फ्लाइट का वेट कर रहा होता है कि तभी गुप्ता विक्टर की मदद करने के लिए एयरपोर्ट के रनवे पर चला जाता है ताकि उसकी फ्लाइट आगे ही ना बढ़े और ठीक समय पर उसकी फ्लाइट रुक जाती है और प्लेन डिले हो जाने के कारण विक्टर को वापस सिटी जाने का मौका मिलता है। अब फ्रैंक गुस्से में उसे अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देता है लेकिन सारे ऑफिसर्स को फ्रैंक के गलत बर्ताव के बारे में पता चल जाता है और वो विक्टर के लिए गेट्स खोल देते हैं और विक्टर करीब करीब एक महीने के बाद न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी में बैठता है और वो उसी पते पे पहुंचता है जहां पे उसे बेनी गोल्डसन मिलता है। वो उसका सिग्नेचर लेता है और अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करता है। बस एक दिन के लिए उसे यूएस आना था एक इंसान की सिग्नेचर लेने के लिए और उसके बाद विक्टर तुरंत एयरपोर्ट पे आ जाता है और अपने घर वापस जाने निकलता है। काफी खूबसूरत स्टोरी है, आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।